तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी का सबसे जान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो डाली थी जाकू फिटनेस की और इतना प्यार दिया ना, क्योंकि लॉकडाउन भी ऑलमोस्ट चल ही रहा था, आधा अधूरा सा हट गया था और आधा बाकी था। तो घर पे लोग सर्च कर रहे थे यार, घर से कैसे करें। यहाँ पे होम जिम का तो सामान होता ही होता है, आप अपना कमर्शियल जिम भी कर सकते हो। और आजकल तो हर गली मोहल्ले के अंदर जिम आपको मिल ही जाता है। तो क्योंकि हर कोई हर घर से कोई ना कोई एक मेंबर तो जाते ही, ऑन एन एवरेज लेके चले दो एक बंदा तो जाते ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। 3 साढ़े 3 लाख में मिनिमम आप अपना जिम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी तो आप उसमें कितना ही डालो, ये मशीन वो मशीन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी तो होती है, 3 साढ़े 3 लाख में कैश ऑन डिलीवरी घर बैठे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ क्वालिटी में डील करते हैं। ऐसा नहीं आपको एक बार दे दिया, आप बार बार यहीं से सामान लोगे और सजेशन भी दोगे किसी और को कि भैया मैंने यहाँ से सामान लिया था। और आप नई पार्टी लेके आते हो तो आपको भी उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दीपक भैया एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ जाकू फिटनेस की तरफ से, और लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस था। यहाँ से सर कितने लोग आए थे आपके पास, कहाँ कहाँ से सर आए थे? मोर देन मैंने जो मेरे पास कांटेक्ट आया है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरे पास। कम से कम मान के चलो 5 to 10,000 का मेरे पास मैसेज आए हैं ओके, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। लेकिन ऑल ओवर मैंने इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, और उसके बाद मैंने जो ट्राई किया, मैंने ऑल इंडिया COD प्रोवाइड की। पहले मैं दिल्ली दिल्ली में करता था, अब मैंने ऑल इंडिया डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, ठीक वो है, भी COD में। कैश ऑन डिलीवरी। हाँ जी, और कैश ऑन आपकी डिलीवरी जो मशीन है वो तो दिख ही रही है, सर। क्वालिटी क्वालिटी फिटनेस। में, क्वालिटी के लिए मेरी मशीन हरदम एकदम स्मूथ और फाइन, बिल्कुल आप देख ही रहे होगे उसको। और जो भी मेरे पास क्लाइंट आया है सबने मूवमेंट और वगैरह सब कुछ चेक किया, उसके बाद मेरी मशीन को एकदम बिल्कुल अच्छा बताया है, तो उसी से मुझे ऑर्डर बेस्ट बहुत ऑर्डर आए हैं सर। ठीक है, शुरू करते हैं सर, ठीक, शुरू करते हैं सर। तो मिनिमम मतलब कितने केजी से स्टार्ट है, अगर वेट की केवल बात करें तो? मिनिमम सर जो होता है वो होता है 2.5 kg, जो स्टार्टिंग वेट होता है हमारे पास में, जो प्लेट्स में आता है। पहले तो सर मैं आपको मशीन्स दिखाता हूँ। जैसे मशीन मैं दिखा लास्ट दो। टाइम दिखाया था, हाँ ये हमारी पैक डेक फ्लाई हो गई, ठीक है, आपको प्रॉपर इसमें लुक आप देख लीजिए। ये हमारा दूसरे अलग पैटर्न में है, यहाँ पे दिल्ली में ओके, और कोई इस पैटर्न में नहीं बनाता। ठीक है, ये पैक डेक फ्लाई होगी, मैं इसको वर्क करके दिखा देता हूँ पहले तो एक बारी। ठीक है। किस तरीके से चलती है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रॉपर हमारी चेस्ट के लिए होती है, ओके, इन केस अगर चेस्ट करनी है तो आप फ्रंट में बैठ के उसको चेस्ट कर लीजिए। अगर आपको शोल्डर लगानी है या फिर बैक से लगानी है, बैक रोइंग से, तो आप सिंपली ये शोल्डर के लिए होती है, बैक के लिए। ठीक है सर। ठीक है, तो इसके सर बाद हमारी आती ये है चिन डिप असिस्ट मशीन। वो सब सर इसके बारे में डिटेल लेंगे थोड़ी सी, कितने वेट में है और क्या इसकी कॉस्टिंग आती है सर? सर कॉस्टिंग का तो मैं अभी आपसे साथ डिस्कस नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे ओके, में। ठीक इसे आप 80 kg में भी ले सकते हो और है, 100 kg में भी हो जाती है। इसका जो वेट स्टैक होता है वो आप पे डिपेंड करता है, पर उस स्टैक का अलग ही रेट होता है। जो भी 100 kg प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सर, प्राइस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मेरे पास आप कॉल करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मशीन्स भी मैं आपको आपको COD प्रोवाइड कर दूंगा कैश ऑन ठीक डिलीवरी है। पे। सिर्फ और आपको जो करना है, शिपिंग चार्जेस मुझे एडवांस में देना होगा, ताकि इन अच्छा, केस मैंने अभी ऑर्डर भेजा था, उन्होंने आगे पार्टी ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद मुझे अपनी जेब से, मुझे शिपिंग चार्जेस अपनी जेब से देना पड़ा, इसलिए मैं अब शिपिंग चार्ज एडवांस में ले रहा हूँ ठीक सबसे। है। एक चीज़ और सर, ये जैसे आपने भी प्राइस नहीं बताया, उसका रीज़न कॉम्पिटिटर सर इसका रीज़न सर, मार्केट में हमारे साथ और भी बंदे जुड़े हुए हैं, है। कॉम्पिटिटर हैं, तो अगर मैं इसका प्राइस अभी शेयर कर दूंगा तो इसी के में आपको, ये देखो मेरी क्वालिटी सुपीरियर है। अगर इसी में आप थोड़ा दूसरी पाइप यूज़ करें, मेरी इंपोर्टिंग पाइप यूज़ होती है, इसी में दूसरी पाइप जैसे आप यूज़ करते हो, तो इसकी कॉस्टिंग उसी में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए लोग कॉस्टिंग कम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमें क्वालिटी क्या मिल रही है उस चीज़ के ओके। लिए। लेकिन मेन रीज़न यही है सर क्वालिटी, प्राइस तो एक ही रहेगा ना, ऐसा प्राइस तो एक नहीं है ही सबके लिए रहेगा, अलग प्राइस अलग। सबके लिए एक रहेगा ठीक है, हमारा। हाँ इसके जी, बाद इसके नेक्स्ट बाद मशीन में हमारी आ चलते गई हैं। चिन डिप असिस्ट, ओके, जिसको भी चिनअप्स लगाने में, जो स्टार्टिंग होते हैं ठीक है, उसको चिनअप लगाने में इशू आता इजी है, होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपनी लेग्स रख के सपोर्ट मिल जाती है ये आपको, ये आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारी आती है प्रीचर मशीन। ठीक है, ये प्रीचर मशीन है, आप एक बार इसका डिज़ाइन दिखा दीजिए, और ये वर्किंग में है, मैं ओके, आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर इफेक्टिव होगा आपकी बाइसेप्स के लिए, ठीक है सर, ये नहीं कि मतलब हम प्रॉपर एंगल वाइज प्रॉपर ठीक फिनिशिंग है, एंड ऑल हर चीज़ देख के अपनी वर्क करते हैं बिल्कुल इस पर। इसके बाद लेग कर्ल एक्सटेंशन है हमारे पास में, ओके, अगर आपको इसमें डुअल में एक चाहिए तो डुअल में भी मिल जाएगी, सिंगल सिंगल में चाहिए तो सिंगल 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 मिल में मिल जाएगी। जाएगी। तो सर एक चीज़, अगर कोई अपना जिम स्टार्टअप है उसका, हाँ तो जी, हाँ जी मिनिमम कितनी अमाउंट के सर, अंदर मिनिमम अपना जो स्टार्टिंग होगी वो 3.5 lakh से है हमारे पास साढ़े में। तीन लाख में अपना हाँ जिम जी, स्टार्ट कर हाँ जी, सकते आप हैं, अपना उसमें जिम स्टार्ट कर देते हो, ऑलमोस्ट उसके सारी बाद चीज़ें जो कवर होगा रहेगी। उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस और GST अलग से है, लेकिन मेरे ठीक पास है, से 3.5 lakh में आपको मशीन मिल मशीन मिल जाएगी। जाएंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी आप, है हैमर सीरीज साइड लेटरल, ओके,
मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपको किसी भी जिम वगैरह कहीं पे भी आपको शोरूम में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी सर ये। इसके बाद इसी में मेरे पास एक मशीन भी है जिसमें आपका वेट होता है। एक तो ये लैट पुल डाउन हो गई, डुअल पुली में ये लैट पुल डाउन हमारे पास, इसके भी कवर भी लगे हैं पूरे। इसके बाद आती है साइड लेटरल मशीन, ये भी आपको पूरी दिल्ली में किसी भी जिम में नहीं मिलेगी। ये मेरे पास ही है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसकी मूवमेंट प्रॉपर होगी बिल्कुल, ठीक है। वेट आपके अकॉर्डिंग होगा, इसमें 80 केजी वैसे इनफ होता है वेट, 80 केजी भी किसी से बहुत कम लगता है यहाँ पे, बहुत ही कम लगेगा सर। ये हमारी प्रीचर बेंच है, ठीक है। ये प्रॉपर एंगल के साथ होगी, ये नहीं कि हमने बना दिया उसके जहाँ, अगर मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसका पूरा इफेक्ट होगा। ये बाइसेप्स की है तो बाइसेप्स पे इफेक्ट करिए आपकी। तो सर लास्ट टाइम भी आपने प्राइस नहीं बताए थे। सर प्राइस मैं नहीं बता, बताए थे नहीं, नहीं प्राइस नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, लेकिन टेबल्स वगैरह के तो आपने। हाँ जी वो मेरे पास है, लेकिन प्राइस इससे नहीं बता सकता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई ये हमारे कमर्शियल जिम के लिए फ्लैट बेंच हो गई, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट डिमांडेबल है ये है हमारी स्मिथ मशीन एंड फंक्शनल ट्रेनर, ठीक है। ये इंपोर्टेड लुक में है, प्रॉपर 8 फीट की रोड यूज हुई है एंड काउंटर बैलेंस के साथ, इसमें जैसे फंक्शनल है हमारा, ओके। इसको प्रॉपर कहीं भी एडजस्टेबल कर सकते हो। ये आपका कमर्शियल भी यूज हो रहा है और किसी को अगर घर में चाहिए तो घर में भी हो जाए। ये इंपोर्टेड लुक में है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप इसकी मैकेनिज्म एंड बिल्कुल इसी स्मूथनेस देखना, कोई आवाज़ नहीं आएगी इसमें। 1 ऐसे ही इसमें आप एक बार स्मिथ दिखा दीजिए, इसमें स्मिथ इतनी इसके 0 है बिल्कुल, मैं इवन 1 फिंगर से आपको चला के दिखाऊंगा। इसमें देखो एक इतनी मुझे कोई इसमें, जैसे कोई स्टार्टिंग होती है कोई लेडीज करना चाहती है तो उसको रोड का वेट ना लगे इसलिए इसको 0 बनाया जाता है, इसमें काउंटर वेट डाला होता है। ओके सर ये यहाँ पे एक ये वाली मशीन भी है, ये सर केबल क्रॉसओवर है, ये इंपैक्ट डिजाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अभी स्टार्ट नहीं है, ये मेरे पास जानी है इसलिए मैंने, ये लास्ट टाइम में मेरे पास बहुत डिमांड आई थी कि डोमेस्टिक के लिए भी आप ट्रेडमिल रखिए, तो मैंने इस बार ये बनवाई है डोमेस्टिक के लिए। ये प्रॉपर अगर आपको कहीं पे भी मतलब ये है कि यूज़ में नहीं है, सिंपल आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आपको स्पेस कन्वीनियंट वो हो जाएगा, सेव करेगी, तो इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं बस करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें आपका मीटर भी लगा होगा इसमें आपकी कैलोरी एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है सर। इसके बाद ऐसी वो हमारी इंपोर्टेड लुक में थी, ये नॉर्मल हमारी होम जिम जैसे जो अभी सभी होम जिम लगा रहे हैं तो उसमें भी यही है, लेकिन इसमें एक एडिशनल पार्ट है, इसमें हमारे में स्क्वाट रैक भी है, स्मिथ मशीन भी है और फंक्शनल ट्रेनर भी है। कम स्पेस के अंदर, हाँ जी कम स्पेस के अंदर इसमें आप हब के वर्कआउट कर लोगे। एक ही हमारे पास डुअल केबल क्रॉस पुली है, किसी मतलब नॉर्मल लैट पुल डाउन इसमें लगा सकते हो ट्राइसेप्स, ये होम जिम के लिए सिंपली आपको वेट प्लेट्स इसमें इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। सारी ओलंपिक, हाँ जी ओलंपिक वेट मेरे पास ओलंपिक वेट मिलेगा। अगर आपके पास पहले से वो डोमेस्टिक वाला वेट है 28 mm तो आप मुझे पहले उसकी चीज़ के बारे में बताएं तो मैं उसी में वैसी प्लेट आपको फिक्स करवा दूंगा, ठीक है सर। इसके बाद है हमारे पास शोल्डर हैमर, इसके अभी कवर लगा नहीं है, कवर लगेगा इसके बाद, इसको करके दिखा देता हूँ मैं शोल्डर हैमर को। ये शोल्डर की है प्रॉपर इफेक्टिव शोल्डर पे ही। इसके बाद अगर किसी को फ्रंट करना है इसी में फ्रंट भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये आपको पूरी दिल्ली में ये मशीन आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और अगर कोई बना भी रहा है तो उसको एंगल का कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। मेरे यहाँ पे प्रॉपर आपको नॉलेज और जिस चीज़ की आप मशीन ले रहे हो उसी पे आपको इफेक्ट होगा, ये नहीं कि आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बाइसेप्स पे असर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ये है हमारी मल्टीप्रेस, प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब बैलेंसिंग है। ये मल्टीप्रेस है, इस पे आप शोल्डर प्रेस, इंक्लाइन चेस्ट, फ्लैट चेस्ट आप तीनों लगा सकते हो इस पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्रीचर हैमर, जैसे किसी किसी को जिम में भी है, जिम में आते हैं सिंगल हैमर, सिंगल हैंड की यूज होता है, ठीक है। आप इसमें सिंपल वेट इंसर्ट करिए, इसके बाद वन हैंड जिसको यूज करना है वन हैंड भी हो जाएगा, अगर सपोज टू हैंड से करना है दोनों हैंड को साथ में भी हो जाएगा इसी में आपका। इसको हम बोलते हैं प्रीचर हैमर। इसी में हमारे पास दूसरा है इंपोर्टेड लुक में प्रीचर हैमर, जो कि नॉर्मली सब जिम में होता है ये वाला। हाँ जी हाँ जी, ये आपका यहाँ पे वेट प्लेट आपकी इंसर्ट होगी ऐसी सेम, यहाँ से ये चल जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद जो हमारे पास आजकल बहुत डिमांड आती है वो है मिनी होम जिम, ठीक है। ये हमारे पास मिनी होम जिम है, इसमें आपका क्या क्या होगा सर, कितने 8-in-1 है ये? नहीं नहीं इसमें मैं बताता हूँ आपको, तीनों बेंचेस हो जाएंगी, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट बेंच, प्रीचर बेंच, लेकल एक्सटेंशन बेंच, आप इस पर चिंडी भी लगा सकते हो, स्क्वैट्स भी लगा सकते हो
एंड बार डिप्स भी लगा सकते हो, लेट पुल डाउन भी कर सकते हो, ट्राइसेप्स भी। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना प्रीचर कर सकते हो इस पर, ठीक है। इसके बाद इसको सिंपली आप रिमूव करिए, लेग कर एंड लेग एक्सटेंशन लाइक दिस, ठीक है सर। ऐसे ही जब इस बेंच को सीधे करके आप लेट के इसको एक्सटेंशन भी कर सकते हो इसमें। उसके बाद आती है आपकी, आप यहाँ पे रोड रखिए अपना, ये है जैसे इंक्लाइंड बेंच, ठीक है। आप इस पे इंक्लाइंड बेंच भी लगा सकते हो सिंपली इस पोजीशन में। इन केस आपको फ्लैट बेंच लगानी है, सिंपली जो इसमें पीछे रोड है आपकी, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से और नीचे वाले पे प्लेस कर दीजिए उसको, ये आपकी फ्लैट बेंच हो जाएगी। ओके सर। इसी में पीछे की साइड आपकी बार डिप्स, मैं करके दिखाता हूँ एक बार बार डिप्स आपको। अगर किसी को बार डिप लगानी है इसमें, ये पीछे बार डिप्स हो जाएगी। ऐसे ही चिनअप्स, इसमें चिनअप्स भी हो जाएगी इसी में। अब इसमें जो है, जैसे किसी को बैक की एक्सटेंशन करनी है, लेट पुल डाउन लगाना है, इसमें लेट पुल डाउन हैंडल यूज करके आप इसमें लेट पुल डाउन, इसमें पीछे यहाँ पे वेट इंसर्ट होगा, इसमें आप लेट पुल डाउन लगा सकते हो, ठीक है। अगर ट्राइसेप्स लगानी है सिंपली, आप ट्राइसेप्स भी लगा सकते हो इसमें। ये अगर किसी का बजट लो है और सबको एक ही में चाहिए, तो ये सबसे लिए, सबके लिए उसमें बेस्ट ऑप्शन है सबके लिए। किस रेंज में आती है सर ये? सर ये रेंज तो आप अप्रोक्स, मैं अप्रोक्स मान के चलो सर, इसका 17-20,000 के बीच में है इसकी रेंज, 17-20,000। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद यही सेम एक एडजस्टेबल बेंच भी है, जिसमें हमारा इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट एंड शोल्डर प्रेस, पीछे वो स्क्वाट्स लगाने के पीछे प्रीचर बेंच, लेकल एक्सटेंशन, यही हमारी फ्लैट बेंच सिंपली बेंच। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया, इसमें इसको हम बोलते हैं एपीएल बेंच, ठीक है। लेकल एक्सटेंशन, प्रीचर एंड एडजस्टेबल बेंच, उसमें बस ये डिफरेंस है, उसमें रोड सपोर्ट मिलता है आपका। ओके सर। ये आपके कमर्शियल के लिए फ्लैट बेंच है ये, ठीक है। ओलंपिक रोड, हाँ जी, ओलंपिक रोड जो हमारी जिम में जाती है, सोन जैसे ही है। इसके बाद है लेग प्रेस, लेग प्रेस जो मेरे पास है, इसमें अगर आपको हेड स्क्वाट चाहिए, हेड स्क्वाट भी मिल सकता है। ओके। इसमें मैं 1000 kg की इसमें गारंटी देता हूँ, वेट कैपेसिटी। हाँ जी, आप 80 kg, मैं इसको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो सर विदाउट प्लेट 80 kg है इसमें? इसमें सर 80 kg नहीं होता, इसमें होता है जो आपका, इसमें वेट डालना पड़ता है आपको प्लेट। अभी ना मैंने इसमें ऑयलिंग की हुई है ना कुछ, फिर भी इतनी स्मूथ चल रही है ये। इसके बाद जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद है फोर स्टेशन मल्टी जिम, ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी आपको। इसमें आपके जैसे स्टेशन होते हैं, इसमें है लेकल एक्सटेंशन, लेट पुल डाउन, पैक डेक फ्लाई एंड सिंगल पूरी। अगर इसमें और भी अगर किसी को ऐड करवाने हैं, तो इसमें सिंगल पूरी मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, मॉडिफिकेशन होती है, जिसमें आप प्रीचर लगा सकते हो, मल्टी प्रेस लगा सकते हो एंड लेट पुल डाउन और रोइंग कर सकते हो। इसमें काफ़ी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, लेट पुल डाउन। इसमें जैसे हमारा अभी पीवीसी स्टैक डला हुआ है, अगर आपको किसी को भी न्यू ये जैसे जिम में जाते हैं कमर्शियल में, तो मोस्टली प्रीफर करते हैं मेटल प्लेट डलवाने के लिए। इसमें मेटल प्लेट भी डल जाएंगी और पीवीसी स्टैक, दोनों का प्राइसिंग का डिफरेंस होगा। उसमें उस साइड पैक डेक फ्लाई है, ठीक है। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ एक जो मेरे पास हैमर सीरीज है। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो? हाँ जी सर, मेरी भी बनवा सकते हैं सर, जैसा आप बस मुझे, आपको आपने मुझे इमेज देनी है, एग्जैक्टली सेम बनेगी। मेरी कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ एंड फिनिशिंग है। ये हमारा डुअल हैमर है, इसमें आप चेस्ट प्रेस एंड लेट पुल डाउन दोनों लगा सकते हो, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे 3 सीरीज हैं, एक तो आपकी कोबरा सीरीज वर्किंग में है, ओके। आईसो सीरीज है, एक इम्पैक्ट सीरीज है और एक जो इम्पोर्टेड सीरीज है वो वाली, इसको बोलते हैं केबल क्रॉस। इसमें भी आपको जैसे स्पेस आजकल देखा हो आपने जिमों में लगी रहती है, तो ये केबल क्रॉस होता है दोनों साइड से, जिसको भी जैसे वर्क करना है, दोनों चेस्ट के लिए होता है ये। 80 kg अगर इंक्रीज करना है चेस्ट में और बाइसेप्स ट्राइसेप जो भी, मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, कोई कोई बाइसेप्स भी होता है इस पर, सब कुछ जो अपने ऊपर, मल्टीपल एक्सरसाइज लगा सकते हो आप इसके। इसके बाद जो ये मशीन है, लास्ट टाइम भी मैंने इसकी सिमिलर दिखाई थी, लेकिन इसमें ये एडिशनल है, इसमें आपका फंक्शनल ट्रेनर है और इसमें जो सेंटर में है पावर गेज है। सपोज किसी को हैवी वेट लगाना है और कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास, कोई हेल्प नहीं है, तो वो ये पावर गेज का हेल्प करता है कि आपका वेट नीचे ना गिरे, उसकी हेल्प। इसी में आपकी स्मिथ मशीन भी है फिर पीछे, इम्पोर्टेड, ये पूरा इम्पोर्टेड लुक में हमारे पास में। ओके, बहुत बढ़िया सर।
और ये आगे हमारे पास ये इम्पोर्टेड साइकिल हैं कॉमर्शियल यूज़ के लिए। इसका व्हील बेस है 25 kg, 25 kg। हाँ जी 25 kg आपको इसमें मिलती है, 18 kg, 21 kg, 25 kg। ये मार्केट में आपको मिलेंगी 35 के अराउंड। मेरे पास मान के चलो आपके पास 10,000 डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर, 25,000 के। हाँ जी, ये आपकी डोमेस्टिक के लिए, जैसे मेरे पास डिमांड आई थी डोमेस्टिक के लिए साइकिल वगैरह, ये आपको डोमेस्टिक के लिए हैं। ठीक है, इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, अंडर 10,000 इसका प्राइसिंग। ओके, और बाकी मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ डंबल प्लेट भी, वैरायटी मेरे पास काफ़ी है। डंबल प्लेट्स वगैरह भी देख लेते हैं सर। हाँ जी हाँ जी, वो मेरे पास अंदर हैं, रखिए आ जाओ सर। रोड भी देख रहा हूँ मैं, जैसे कि एक बार रोड भी देख, हाँ मेरे पास रोड भी हैं, आप एक बार देख लीजिए। एक मैं ये बताना भूल गया, ये मेरे पास आईसो सीरीज की आपके पास बेंचेज हैं, एडजस्टेबल बेंचेज, जिसमें आप शोल्डर प्रेस लगाने के लिए, नीचे वाला भी एडजस्टेबल है इसमें। ठीक है, और आपको पीछे वाला करना है जैसे एडजस्ट मल्टीपल एंगल पे, ये है आपको शोल्डर प्रेस के लिए। इंक्लाइन चेस्ट लगानी है, इंक्लाइन चेस्ट लगा लीजिए, फ्लैट लगानी है इस पर फ्लैट लगा लीजिए, डिक्लाइन लगानी है आपको डिक्लाइन लगा लीजिए। ठीक है, मल्टीपल एंगल पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद रोड पे आते हैं सर, इसकी क्या कॉस्टिंग आ रही? सर इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि टेबल बहुत हैवी लग रही है, अच्छी लग रही है सर, ये प्रॉपर कॉमर्शियल बनी हुई है, इसकी कॉस्टिंग सर मान के चलो 10,000 to 15,000, 10 से 15,000। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये हमारे पास है बॉक्स रोड, बॉक्स रोड ओलंपिक साइज में ही होंगी हमारे पास, 28 mm में कोई भी रोड नहीं होगी जो डोमेस्टिक में यूज करते हैं। ये बॉक्स रोड होगी, ये 4 feet की रोड हो गई, उसके बाद 5 feet की, उसके बाद हैंडल्स हैं हमारे पास मल्टीपल एंगल, रोइंग हैंडल ट्राइसेप्स के लिए, वी हैंडल, ये रोइंग हैंडल हो गया अपना, डी हैंडल रोइंग हैंडल हो गया, ट्राइसेप्स। सर ये तो केजी के हिसाब से मिलते होंगे? नहीं नहीं, ये पर पीस का रेट है सर, पर पीस का। इसमें 300 से स्टार्ट हो जाता है, और आपकी अकॉर्डिंग टू, जैसे आपकी 7 feet की रोड है इसका अलग प्राइस है, कलर रोड भी है हमारे पास में, अलग अलग प्राइस है सर हर चीज का। और ये जैसे होम यूज के लिए ट्विस्टर, अगर किसी को चाहिए ट्विस्टर भी है हमारे पास में, एडजस्टेबल बेंच जैसे होम यूज के लिए लो कॉस्ट में जिसको चाहिए, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी 3500 से, अगर वो चाहिए तो किसी को वो भी मिल जाएंगे हमारे पास में। तो सर अब आते हैं यहाँ पे प्लेट्स वगैरह की, मतलब क्या केजी का हिसाब रहता है डंबल्स का? सर डंबल जो होते हैं स्टार्टिंग 2.5 से होते हैं, मेरे पास काफी क्वालिटी है, ये जैसे अमेरिकन में आजकल बहुत चला हुआ है, अमेरिकन डंबल होता है इसको बोलते हैं, ये हम फरारी डंबल बोलते हैं इसको, ये हमारा बाउंसर डंबल होता है, इसमें क्वालिटी अलग अलग है एंड रेट उसी पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग हमारी मान के चलो 80 rupees पर केजी से है, ठीक है, अब 250 rupees पर केजी में है, 150 kg तक जाता है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही हमारे पास फिंगर ग्रिप प्लेट्स हैं, ठीक है, इसी में अगर आपको ब्लैक मिल जाएंगी, कलर लेनी है कलर मिल जाएंगी, ये हमारे पास इंपोर्टेड डिजाइन में प्लेट है यहाँ पर। और ये जो आजकल बहुत डिमांडिंग में है लुक वाइज, अगर कहीं अच्छी जगह पे जिम लग रहा है तो ये प्लेट यूज होती है वहाँ पे, अमेरिकन प्लेट बोलते हैं इसको भी।